किसी भी तरह का जो बुखार है, चाहे वह वायरस हो, वो किसी भी तरह से किसी भी तरह का, चाहे मलेरिया हो या और किसी भी तरह का कोई बुखार हो, बुखार के लिए इसकी जड़ का काढ़ा बना करके पिलाने से इसका जो प्रभाव है, इसका प्रभाव कहीं कुनेन से भी ज़्यादा तीव्र प्रभावशाली है। ये इसको यदि आप उबाल करके थोड़ी सी इसमें तुलसी के पत्तियां और मिला दें, यदि उपलब्ध हो सके तो तुलसी के पत्ते डाल करके इस दारू हल्दी के जड़ को पका करके आप सुबह शाम पिला दें तो बुखार से होने वाली जो परेशानी है और जो बुखार की वजह से शरीर में टूटन है और साथ में बुखार भी इसे तुरंत उतर जाता है, इसका जो प्रभाव है लीवर पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ता है। हालांकि जो एलोपैथिक औषधियां जो डाली जाती हैं बुखार के लिए, जो इस तरह की जो दवाइयां होती हैं, वह लीवर को, किडनी को नुकसान पहुंचाती है, परंतु यह दारू हल्दी आपके लीवर को भी ताकत देती है, बुखार को भी ख़त्म करती है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे भी लोग आते हैं जो कहते हैं कि बरसों से हमें बुखार है, हमारा टेम्परेचर नॉर्मल नहीं रहता है, बॉडी के अंदर एक हरारत सी बनी रहती है, परंतु सभी औषधियां की, सभी तरह के मेडिकल जो परीक्षण हैं सब कुछ करा लिया, फिर भी बुखार नहीं उतर रहा है, उनके लिए मेरा बहुत सविनम्र निवेदन है, आप इस दारू हल्दी के जड़ को कूट करके और थोड़ी सी मिला लें, गिलोय आप ले लें, सूखी हुई गिलोय लगभग 5 ग्राम, सूखी हुई ये दारू हल्दी के जड़ को 5 ग्राम और डाल दें लगभग 4-5 पत्तियाँ तुलसी की, आप काढ़ा बना करके पिए कुछ दिन लगातार, आपके लिए यह अमृत है, आपके लिए यह रामबाण है। गिलोय 5 ग्राम सूखी हुई गिलोय लता और 5 ग्राम दारू हल्दी के जड़ और उसमें डाल दें 4-5 पत्ती तुलसी के, इसको काढ़ा बना करके 400 ग्राम पानी में उबालें, लगभग बचे 100 ग्राम छान करके पिए आप प्रातः और सायंकाल, आप देखेंगे यह एक बहुत ही दिव्य प्रयोग है। किसी भी तरह का कितना भी पुराना बुखार क्यों न हो, मैं समझता हूँ यदि इस तरह के लोगों को हम देश में ढूंढें तो हजारों की संख्या में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कहते हैं कि बरसों से हमें बुखार है, फिर भी किसी भी दवाई से हम ठीक नहीं हो पा रहे हैं, जिनको चाहे जॉन्डिस हो गई हो उसके लिए भी यह बहुत ही उत्तम औषधि है, पीलिया के लिए भी यह रामबाण है। हालांकि सामान्यतया कहा जाता है कि जिसको पीलिया हो पीली वस्तु नहीं देनी चाहिए, पर यह पीली है फिर भी यह पीलिया को दूर करती है, और जिनको किसी भी तरह के जो फोड़ा फुंसियाँ यदि गुमड़े पक करके फट नहीं रहे हों या गुमड़ियाँ हो गई हों, इन्फेक्शन हो गया हो, तो इसके पत्तों को, हालांकि थोड़ा सा ध्यान रखें, इसके पौधे में भी कांटे होते हैं और पत्तियों में भी कांटे होते हैं, उसको पीस करके आप लुगदी बना करके उसमें लगा देने मात्र से वह जो फोड़ा है पक करके निकल जाता है, और यदि नहीं निकले तो वो फोड़ा बैठ जाता है। तो फोड़ों को पकाने के लिए, फोड़े के लिए भी यह दारू हल्दी का जो हमारा यह पौधा अत्यंत लाभकारी है।